गैस चैम्बर बनी दिल्ली एनसीआर में फिलहाल वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। शुक्रवार को भी यहां बुरा हाल रहा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 के पास दर्ज की गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एयर पॉल्यूशन पर अपनी पिछली सुनवाई को आज भी जारी रखा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। आपको बता दें, पाकिस्तान पर अक्सर आतंकवाद को लेकर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अब उसे दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए भी दोषी माना जा रहा है। हालांकि इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सरकार प्रदूषण फैलाने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। हमारे यहाँ 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वकील रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि दिल्ली की तरफ यूपी की ओर से हवा नहीं जा रही है, ये दूषित हवाएं पाकिस्तान से आ रही हैं। इन हवाओं से यूपी खुद परेशान है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने मजाकिया लहजे में कहा, तो क्या आप पाकिस्तान के उद्योग बंद करवाना चाहते हैं? गौरतलब है कि दिल्ली के अलावा एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में प्रदूषण यूपी की तरफ से आता है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ज्यादातर प्रदूषण पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। यूपी सरकार ने अपने तर्क में कहा, प्रदेश में उद्योग के बंद होने से राज्य में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति नीचे की ओर है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगले शुक्रवार तक सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, गन्ने यानी चीनी और दूध के कारखानों को ज्यादा समय तक चालू करने की मांग को लेकर टास्क फोर्स कमेटी के समक्ष अर्जी दें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे अस्पतालों के निर्माण को जारी रखने की इजाजत दी। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम 24 घंटे दे रहे हैं, सरकारें प्रदूषण पर तुरंत कदम उठाए, नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे। डेली अपडेट्स पाने के लिए बने रहें द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।